हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? हम सब भी बहुत बढ़िया नहीं हैं। और आज है मंडे का दिन, तो जैसे मेरा लास्ट टू लास्ट ब्लॉग आया था ना, तो 2-3 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, मतलब पहले तो धीरे धीरे थी, लेकिन संडे से ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। और मतलब काम भी नहीं हो पा रहा है। और फिर कल संडे को जब हम डॉक्टर के पास से आए थे, तो मैं सोच रही थी मैं खाना बना लूँगी, बट मैं खाना नहीं बना पाई। तो हनी के पापा फिर बाहर से खाना लेके आ गए थे। और आज है मंडे, तो सुबह 5 बजे से हनी को भी वॉमिट हो गया, लूज मोशन हो गया, और मेरी तो तबीयत थी ही ख़राब। तो हनी के पापा पे आज ज़्यादा ही बर्डन आ गया, तो हनी को जैसे तैसे करके हमने भेज दिया, क्योंकि आज उसका एग्ज़ाम था। तो मैंने मैम को कॉल कर दिया था कि मैम, अगर इसकी तबीयत ख़राब हुई या एग्ज़ाम जैसे हो जाता है ना, आप मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगी लेने के लिए। तो अभी हो रहे हैं 9 o'clock और हनी के स्कूल से फ़ोन आ गया है। तो बस मैंने भी अभी नाश्ता कर लिया है। और होता है ना, जब लेडी बीमार होती है घर की, तो ब्रेड ही सबसे बड़ा ऑप्शन और अच्छा ऑप्शन यही होता है। तो हनी के पापा बहुत अच्छे से चाय वाय बना के चले गए हैं, ब्रेड बटर का नाश्ता वो खुद भी करके गए हैं, हनी को भी कराते हैं। हनी ने वैसे कुछ खाया नहीं, मैंने उसके स्कूल के लिए ब्रेड और बटर रख दिया था। मैं लेती हूँ दवाई, क्योंकि कल डॉक्टर पे गई थी ना, तो दवाई ले आई थी। बस वो दवाई लेती हूँ और मैं निकलती हूँ हनी को लेने के लिए, क्योंकि उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है। तो एक साथ ही हो गया ये, और हनी के पापा पे ज़्यादा ही हो गया। सुबह वो जल्दी उठे, क्योंकि वो जल्दी उठते नहीं हैं। जल्दी उठ के उन्होंने नाश्ता वगैरह जैसे भी जो करना था, चाय ब्रेड भी काफ़ी होता है, जिसको कुछ नहीं आता उसके लिए चाय ब्रेड भी बहुत होता है। तो आवाज़ भी आप सुन रहे हैं मेरी कैसी हो रही है, और फेस कितना सूजा हुआ है। तो चलो फिर, अभी मीहू सो रही है, तो मीहू के पास मैं दादी को बोल देती हूँ रहने के लिए, तो दादी रह लेंगी। और मैं चलती हूँ बस हनी को लेके आती हूँ, ठीक है? घर में आराम कर लेगा थोड़ा। तो मैम को कॉल किया था कि मैम, अगर एग्ज़ाम नहीं दे पाए तो नेक्स्ट डे जब स्कूल है तो दे देगा, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला जब सेकंड पीटी होगा ना, फिर आप कर सकते हो। तो मैंने कहा उस समय कहाँ, दोनों चीज़ों को पढ़ेगा, तो कम से कम एक बार एग्ज़ाम दे दे, मैं उसे लेके आ जाऊँगी। तो बस तबीयत तो मेरी भी ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे से भी खड़ा भी नहीं होया जा रहा है, ज़्यादा देर बैठा भी नहीं जा रहा है। पता नहीं, हल्का सा जुकाम, फीवर और बीपी भी लो, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। तो शक्ल की बैंड बजी हुई है। तो बस फिर दुपट्टा लेती हूँ, पैसे लेती हूँ और मैं चलती हूँ, हनी को लेके आती हूँ। तो जी, फाइनली आ गए हम घर पर। और ये रहा हनी, क्या हाल चाल है बताओ? उल्टी हो गई मेरे को। एग्जाम कैसे होगा? उधर रात को मम्मी ने मेरे को पकड़ लिया एक बार, टेस्ट लेने की सोची मम्मी ने, ऐसे पूछने लग गई, तो मेरे को आया नहीं। तो मम्मी ने कहा 1 घंटे के अंदर इतना इतना कर दे, मैंने फिर बैठ गया मैं करने के लिए, उसके बाद कर दिया, तो अब इजी लगा पेपर। वही सब आया ना? हाँ, वही सब आया। हिंदी का एग्ज़ाम था इसका, इसको मैंने बोला कि बेटा लेसन से ज़्यादा ना व्याकरण आएगा, कर लो कर लो कर लो, बट ये सुन ही नहीं रहा था। तो जब दवाई लेके आए ना, मुझे मतलब 15-20 मिनट के लिए थोड़ा सा, पता नहीं अचानक ही कैसे थोड़ा सा सही फीलिंग होने लग गई। फिर मैंने इसकी बुक ले ली, मैंने कहा ठीक है अब बता, ये सुना ये सुना ये सुना, इसे आता ही नहीं था, मतलब इसने व्याकरण लर्न ही नहीं किया था सही से। तो मैंने कहा ठीक है 1 घंटे के अंदर ये लर्न करो और देखना, यही आएगा। और हुआ भी यही होता ही है। तो खैर हम लोगों को पता ही, अभी छोटा है ना, इसे नहीं पता ना कि हिंदी का पेपर, वैसे लोग सोचते हैं कि बहुत आसान है हिंदी, क्योंकि हिंदी अपनी लैंग्वेज है ना, इसीलिए। लेकिन हिंदी सबसे टफ पेपर आता है हिंदी का, और उसकी व्याकरण तो और ज़्यादा टफ होती है। तो वही ने प्रैक्टिस कर लिया था इसका, वही आ गया एग्ज़ाम में। अब देखो नंबर कैसे आते हैं। दवाई खानी है अभी मेरे को, घर का काम सारा पूरा ऐसे ही पड़ा हुआ है, वो देखते हैं। थोड़ी देर लेटती हूँ, और लंच में तो मैं खिचड़ी बनाऊँगी। भाई उल्टी दस्त हो रहा है तो खिचड़ी खाएगा ना, मैं दाल चावल में नहीं बना सकती हूँ। तो अभी मैं मम्मी के लिए बना रहा हूँ गुलकोंडी, क्योंकि मम्मी को खानी है दवाई। मम्मी ने ये वाला खाया बनाने, लेमन फ्लेवर वाला। ये देखो, ये रखना है मेरे को सबसे पहले यहाँ पर, उसके बाद ले चलते हैं अभी मम्मी के पास धोने के लिए। हम्म,
तो हनी ने मेरे लिए ना गुलकोंडी बना दिया और फिर उसके बाद मैंने दवाई ली। तो यहाँ पर दो दवाई इसलिए है कि एक बार मैं केमिस्ट से लेके आई थी और फिर संडे को ना डॉक्टर से लेके आई थी, तो वो दोनों में कंफ्यूज था कि मम्मा को कौन सी देनी है, तो वो दोनों पैकेट उठा के लेके आ गया था। फिर वो दवाई ली मैंने और उसके बाद बस फिर, क्योंकि सुबह सुबह जो है कितना काम होता है पता ही है, घर में सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ था बस, तो सबसे पहले मैंने बिस्तर समेटे और वही है, हनी की तबीयत भी ठीक नहीं थी तो वो बोलने लग गया मम्मा मुझे लेटना है। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर उसको मैंने बेडशीट दी और वो थोड़ी देर लेट गया। फिर वही है, घर की साफ़ सफाई थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी क्योंकि आजकल डस्ट भी पता ही है कितनी आ रही है, तो मैंने कहा ज़्यादा कुछ नहीं, तो बाहर कपड़े रखे हुए थे बीच वाले रूम में, वहाँ से मैं उठा के ले आई। और बच्चे ना बहुत ज़्यादा सामान फैलाते हैं इधर उधर और मिट्टी इतनी ज़्यादा हो रही है आजकल, तो मैंने कहा पोछा रहने देती हूँ, खाली झाड़ू तो कर ही लेती हूँ, तो थोड़ा सही लगता है ना झाड़ू लग जाता है तो, क्योंकि घर जितना ज़्यादा बिखरा हुआ होता है ना इंसान अपने आप को ज़्यादा बीमार फील करता है। तो उसके साथ ही चढ़ा दिया मैंने यहाँ पर मैगी, क्योंकि ब्रेड का टेस्ट बहुत अजीब आ रहा था मुँह में, तो सोचा हमने थोड़ी सी मैगी खा लेते हैं। तो झाड़ू तो मैंने जैसे तैसे कर दी है और इससे ज़्यादा आज मेरे बस का नहीं है, तो यहाँ पर बना रही है मैंने मैगी। मैगी भी पकने वाली है, बस हो गया, क्योंकि जो मीमू है वो ब्रेड बटर मना कर दिया, तो ये मैगी खा लेंगे थोड़ा थोड़ा। ब्रेड बटर खाया था ना मैंने भी, तो मुझे भी इतना मज़ा नहीं आया उसमें, तो मीठा मीठा हो रहा था, अच्छा नहीं लगा, ये तो मना कर रहा है। मीमू और मैं खा लेते थोड़ी थोड़ी मैगी, अजीब ही हो रहा है पता नहीं, मतलब अच्छा फील नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, तबीयत सही फील नहीं हो रही है। गरम है, हाँ आराम से खाना। मैं भी ले लेती हूँ अपने लिए। तो जी बच गए हैं दो और बना लिया मैंने लंच। लंच तो वही है, बीमार आदमी क्या लंच बना सकता है, खिचड़ी बनाएगा और क्या बनाएगा। मैं ना कितनी कोशिश कर लूँ मेरे से कभी भी पानी वाली खिचड़ी बनती ही नहीं है, कभी नहीं बनती है। ये देखो ये बन गई है गाढ़ी, ये मुझे बनानी थी पानी वाली बट ये नहीं बन पाई है। चलो कोई बात नहीं, ऐसी खा लेते हैं। और देखो सुबह के बर्तन अभी तक ऐसे पड़े हुए हैं, आज बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल। या तो ये टीवी पे बैठते हैं या फिर इस पर। देखो एक ना फोटो दिखाती हूँ आपको, ये देखो मेरे दोनों बच्चों की फोटो, कितनी छोटी है देखो ये। तो ये फोटो ना तब की है जब मीहू 5 महीने की थी, प्राश होता है अनपाषाणी बोलते हैं हमारे में, जब बच्चे को अन चखाया जाता है ना 5वें महीने में, 5वें 6वें महीने में, तब का है वो फोटो। तो दोनों बच्चों को स्टूडियो ले गए थे और दोनों बच्चे की फोटो क्लिक कर ली थी, अच्छी लग रही है ना, तो याद के लिए अच्छा रहता है ना बच्चों का। एक और पिक है जिस दिन हनी की अनपाषाणी, ये उस दिन की पिक है दोनों की। तो उस दिन दोनों को स्टूडियो लेके इनका फोटो करवाया था, तो सिंगल सिंगल तो किया साथ में और एक फ़ोटो इन दोनों की डबल भी हो गई, तो अच्छी है ना, याद के लिए रहता है भाई बहनों की पिक्स। जाओ मैंने आपके लिए खाना रख दिया, खा लो। कहाँ रखा? उधर टेबल पे रखा है, उधर बेड पे। कहाँ बैठना है आपको, अंदर? मैं तो जी आ गई हूँ मैं बेडरूम में, और खाना पीना बर्तन वगैरह सब कुछ हो चुका है, और यहाँ पर मीहू देखती है टीवी, और साथ में रखे हुए हैं ये कपड़े यहाँ पर, जो कि मुझे पुकार रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमें तय करो, हमें तय करो, हमें तय करो। तो ये परेशान हैं बेचारे और ये चाह रहे हैं कि मैं इनको तय करूं, लेकिन मैं इनको अभी तय नहीं करूंगी, मैं थोड़ा सा लेटूंगी, थोड़ा आराम करूंगी। अभी बज रहे हैं 3, तो मैं अभी आधा पौन घंटा थोड़ा सा लेटूंगी और उसके बाद मैं इनको तय करूंगी, ठीक है। तो इसका एंड करते हैं ब्लॉग, अगर आपको ज़रा सा भी इतना सा भी पसंद आया होगा ना तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।